इसमें क्वेश्चन फाइव है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36। इसमें जो मोड है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 है। फ्रीक्वेंसी है 8, 10, F, 16, 12, 6, 7। ठीक है, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है 36 गिवन है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो हमको यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी F निकालना है मोड के फार्मूला से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मोड दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 36, ये मोड दिया हुआ है। और L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो जो 16 है ना, इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो ये जो 30 और 40 होगा, ये मॉडल क्लास होगा। ठीक है, तो L क्या आ जाएगा यहाँ पे? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 30 हो जाएगा। उसके बाद F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये क्या होगा? 16 होगा। और ये जो F0 है, F0 जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग टू द मिडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो F हो जाएगा ये। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद देखिए F2 जो है ना, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, माने 40 और 50 का जो फ्रीक्वेंसी है 12 हो जाएगा। और ये जो है वो क्लास इंटरवल है, तो ये 10-0 या 20-10 कर लीजिए आप, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हम लोगों को जो सारा वैल्यू है, जो हमको चाहिए, वो मिल गया यहाँ पे। तो वैल्यू को पुट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू एल है 30 प्लस F1 क्या है? 16 माइनस F0 है यहाँ पे, और 2 × 16 माइनस F, और F2 कितना है? 12 है, इंटू H है 10। ठीक है, अब इसको देखिए, 30 को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, तो 36 माइनस 30 इक्वल टू 16 माइनस F। यहाँ पे देखिए 16 × 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 कितना होगा? 20, 20 माइनस F इंटू 10। ठीक है, आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 हो गया, और ये हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 माइनस 10F, और ये जो 20 माइनस F है उसको इधर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस F क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 120 माइनस 6F इक्वल टू 160 माइनस 10F। अब 10F को इधर ट्रांसफर करेंगे और 120 को इधर ट्रांसफर करेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10F माइनस 6F इक्वल टू 160 माइनस 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4F इक्वल टू 40, तो F इक्वल टू कितना आ गया? 40/4 इक्वल टू 10। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ F है, जो पूछा है क्वेश्चन में, कितना आ गया? 10। और ये 10 इसका क्या होगा? आंसर होगा